दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम मलाड वेस्ट मुंबई में वीके दुबे जी के पास है। ये वो शख्स है जिनके ये कोई तारीफ के मोहताज नहीं है। इनको यहाँ के हर लोग जानते हैं और बहुत ही अच्छे समाज सेवा भी है, सेवा भी करते हैं और मुंबई हाई कोर्ट के वकील है। तो सबसे पहले हम किसी विषय में बात करने से पहले इनका परिचय जानते हैं। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आपका, पहले परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं अब अपना खुद तो परिचय सिर्फ वकील के तौर पर ही दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी जो सेवा है मेरे ही फील्ड में ही मैं करता हूं। और अच्छा लगता है जब दीन दुखियारों की मदद करता हूं, जो भी चले आते हैं बेचारे, जिनको प्रताड़ित किया जाता है उसके लिए न्याय की गुहार लगाना मेरे लिए मेरा परम सौभाग्य है। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी तारीफों के फूल बांध रहे हैं कि मैं मतलब किसी तारीफ का मोहताज नहीं। ऐसा नहीं है, हर इंसान का एक अलग मुकाम होता है, उसकी अपनी एक पहचान होती है। तो हम यहाँ पर मुंबई में, मुंबई हाई कोर्ट और सिटी सिविल कोर्ट में, डीलोसी में और बाकी जो भी सबोर्डिनेट कोर्ट्स हैं वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एज अ वकील के तौर पर, और छोटे मोटे जो भी मामले होते हैं उसका निपटारा करते हैं हम लोग। दुबे जी, 18 जुलाई को दो एडवोकेट पर तलवार से हमला हुआ था MSB बोरेवली वेस्ट में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय घटना है जो भी घटना घटित हुई, उसके लिए मुझे बहुत खेद है कि हमारे जितने वकील भाई हैं उन सब लोगों ने मिलकर इस घटना को बहुत ही इसकी निंदा की हुई है। और हमारी पूरी फ्रेटर्निटी टीम है, मतलब हमारे जितनी भी वकील संघ है, हमारे जितने वकील लोग हैं और हमारे आसपास के जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, जो वो सब बंधु बांधव मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो कांड हुआ बहुत ही भयावह कांड है, देखा जाए तो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि समाज में इस तरीके की घटनाओं का होना एक बहुत ही बड़ी चेतावनी है। आप देख सकते हैं कि देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले उस्मानाबाद में भी हमारे एक वकील भाई के ऊपर इसी तरीके का अत्याचार हुआ, उसके बाद कुछ दिन पहले पत्रकार के ऊपर भी एक ऐसा हमला हुआ। तो ये जो हमारे संविधान के आधार स्तंभ हैं, इनके ऊपर इस तरह की आपराधिक घटनाएं बहुत ही निंदनीय हैं और इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे एडवोकेट और पत्रकार पे आपने कहा कि जो हमला होता है तो ये देश की व्यवस्था को कमजोर करता है, तो इससे आप क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार से आप क्या मतलब कहना चाहते हैं ऐसे वकील? मेरी तो सरकार और सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनसे इतनी ही गुजारिश है कि जल्द से जल्द एक सुरक्षा कानून लाया जाए। जिस तरीके से एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल की कई समय से मांग हो जा रही है, कई वर्षों से इसकी मांग है, किंतु अभी तक इसको कुछ भी मतलब पुरजोर तरीके से इसकी तैयारी नहीं की गई, ये लाया नहीं गया। जिस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी व्यक्ति के काम में अड़चना डालता है या उसको प्रताड़ित करता है या उसके ऊपर कुछ करता है, तो जिस तरीके से धारा 353 IPC में है जिसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होती है, और जो व्यक्ति है जो सरकारी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी करता है उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो जाती है, तो उसके अंदर एक डर कानून व्यवस्था की हो जाती है। किंतु आज आप देखें तो समाज में वकील पत्रकार इनको लेकर कोई भी ऐसा प्रोटेक्शन बिल अभी तक गवर्नमेंट ने लाया नहीं जिससे कि इनकी सुरक्षा की जाए। और इन दिन ब दिन जिस तरीके इस से ये सारी घटनाएं हो रही हैं आसपास के परिसर में, वो एक चेतावनी है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं डगमगा रही है। और अगर इसको कहीं ना कहीं इसको अगर नहीं कंट्रोल किया गया तो आने वाले समय में और भी गंभीर तरीके के हालात हो सकते हैं। आप इस जो बोरीवली MHB कॉलोनी की घटना की बात कर रहे हैं, अब बहुत ही दुख होता है कि उस घटना की सारी वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सारी जगहों पर है, और हमारे जितने वकील हैं बेचारे वो सब उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। और दुख की बात तो ये है उसके अंदर कि उस घटना को अंजाम देने के बाद कम से कम 8-9 घंटे बाद उसकी FIR दर्ज होती है, और मुंबई जैसे शहर में इस तरीके से जंगल के कानून की तरह ये कांड हुआ है। खुलेआम लोगों के बीच में दो दो तीन तीन तलवारधारी लोग आते हैं और सीधे मारपीट करने लगते हैं, उनको कानून का कोई भय नहीं है। और ये सारी चीजें और ये सारी परिस्थितियां देखकर इस तरीके से मन में संज्ञान आता है कि क्या हम सेफ हैं, क्या हम लोग यहाँ पर इस समाज में सुरक्षित रह पाएंगे अगर इस तरह की घटनाओं
को निरंतर बढ़ावा दिया गया तो मेरा विचार यही है कि जब भी समाज में इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे वो वकील हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो डॉक्टर हो, आप ये भी देख रहे थे कि भी कोरोना काल में कई बेचारे सुरक्षा कर्मी, कई डॉक्टर, कई नर्सेस लोगों को भी मारने पीटने की घटनाएं सामने आई थी। उस समय भी देश में आवाज उठी, उसके बाद निरंतर ये सारी चीजें धीरे धीरे कम होने लगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्लाइंट का आपसी विवाद कुछ भी रहा हो, जमीनी विवाद हो या कुछ को किसी भी तरीके का विवाद हो, किंतु एक पेशेवर इंसान के ऊपर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से लोगों के अंदर ये हो गया है कि वकील हो, चाहे पत्रकार हो या डॉक्टर हो, उसको हम मार के पीट के उसको दबा लेंगे, तो आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं कि वो जो लोगों के अंदर भय पैदा हो गया कि हम इनको मारेंगे, पीटेंगे और दबा लेंगे, तो आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार से क्या अपील करना और चाहते हैं? उनको जामीन मिल जाती है, बाद में वो खुलेआम घूमते हैं, उसके ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा या ऐसा आप क्या एक्ट लगवाना चाहते हैं? ये बहुत ही अच्छा है जो आपने ये सवाल मुझसे किया। आप देखेंगे कुछ समय पहले धारा 353 जो थी उसमें आसानी से जमानत हो जाती थी, बड़ी आसानी से इस तरह के आरोपियों की जमानत हो जाती थी और निरंतर इस तरीके की घटनाएं बढ़ने लगी। अभी उसको सरकार ने स्ट्रिक्ट कर दिया है, कड़ा प्रोविजन उसके अंदर ला दिया है और उसको माननीय सेशन कोर्ट द्वारा ट्राइबल कर दिया है, तो जिससे उसमें जमानत जल्दी नहीं होती है और लोगों के अंदर अभी भय है सरकारी कर्मचारी को कुछ भी मारने या पीटने से, लोग अपने आप को बचाव रखते हैं, क्योंकि होता ऐसा है कि अगर 353 लग गई तो उसमें जल्दी जमानत नहीं मिल पाती है। तो अब लोगों के अंदर धीरे धीरे उस चीज को लेकर भय पैदा हुआ है, तो वो सरकारी कर्मचारियों का सम्मान करना अभी धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं, उनको कुछ भी मतलब अभी इस तरह की घटनाओं का अंजाम देने के पहले लोग सोचते हैं। अब रही बात हम लोगों को जो हमारी जो मांग है, हमारी तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लाया जाए, जो वकीलों की सुरक्षा के लिए हो कि अगर किसी भी वकील के ऊपर किसी भी तरीके की घटना को अंजाम दिया गया तो सबसे पहले उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई हो, चाहे वो वकील हो, चाहे पत्रकारों से रिलेटेड, चाहे डॉक्टर से रिलेटेड। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो लोग सरकारी व्यवस्थाओं में शामिल हैं उनके लिए तो प्रोटेक्शन है, लेकिन जो अब लाइसेंस धारी दूसरे वकील हैं जिनको प्रैक्टिस का लाइसेंस दिया गया है, उनकी सुरक्षा सरकार को मुहैया करानी चाहिए। उसके लिए एक जल्द से जल्द कानून, कड़ा कानून लाना चाहिए और उसकी व्यवस्था राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को उसकी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार रहना चाहिए। जैसा आपने कहा कि अभी 7-8 घंटे लग गए FIR होने में ऐसी घटना पे, जबकि एक एडवोकेट वकील मतलब कि जो कि सुरक्षा के दायरे में भी आते हैं, सुरक्षा रक्षक के भी दायरे में आते हैं, या जो कि प्रोटेक्शन भी देते हैं या बहुत सारी सरकारी जिम्मेदारियां संभालते हैं, जब ऐसे लोगों के ऊपर अपराध होता है या दंड हो या जो है हमला होता है, उनकी FIR इतनी लेट लिखी जाती है, तो आम आदमियों की FIR में कितने लेट लतीफ किया जाएगा, इसके बारे में आप 2 शब्द बताएंगे? ये बहुत ही निंदनीय है। सर्वप्रथम तो मुझे इस बात का खेद है कि मुंबई जैसे शहर में जहां पर हर 1-2 किलोमीटर के दायरे पर अलग अलग पुलिस थाने हैं, वहां पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है। और उससे भी निंदनीय ये है कि पुलिस के साथ साथ जो वहां पर नागरिक उपस्थित थे उनके भी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी कि अगर किसी भी हमारे वकील भाई को या किसी भी व्यक्ति को, वकील ही नहीं अगर वो आम इंसान भी होता, उसके ऊपर तलवार से इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो कम से कम आज सबके पास मोबाइल है, वो पुलिस बुला सकता था 100 नंबर दबाकर, किंतु जगह पर मौके पर पुलिस नहीं आई और उसके लिए बहुत देर हो गई। फिर अस्पताल में उन दोनों हमारे पीड़ित भाइयों को एडमिट किया गया, वहां पर मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के DCP साहब का जो व्यक्तिगत तरीके से घटना के बारे में पता होने पर आए विशाल ठाकुर जी, और उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह लिया और बाद में देर रात FIR दर्ज हुई और उसमें से 3 लोगों को अभी तक अरेस्ट भी कर लिया है, उनको पुलिस कस्टडी भी दी जा चुकी है। लेकिन FIR में 15 से 20 अननोन लोग हैं और काफी लोग हैं उसके अंदर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा, तो उन सब लोगों को उचित सजा मिले और कोर्ट कचहरी और बाकी जितने भी हमारे वकील भाई बंधु हैं वो सब प्रयासरत हैं कि किस तरीके से इस घटनाओं को फिर दोबारा इस तरीके की घटनाएं नहीं घटे समाज में, क्योंकि समाज में इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट होता है। आप देखेंगे कि अगर इस तरीके की घटनाएं निरंतर घटती रही तो उससे समाज में, सोसाइटी में, बच्चों पर, लोगों के दिमाग पर एक गलत प्रभाव जाता है इन चीजों का, तो इसको किस तरीके से रोका जाए वो हमारी प्रथम जिम्मेदारी होनी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।